हाय, ये कहानी है स्टैन की, जिसे एक धोखाधड़ी के केस में 3 सालों के लिए जेल की सजा सुनाया जाता है। अब स्टैन उस जेल के बारे में पता करता है और उसे यह मालूम होता है कि उस जेल में नए कैदियों के साथ वहां के पुराने कैदी गुलू गुलू करते हैं। अब स्टैन अपनी इज्जत बचाने के लिए कुंफू मास्टर बन जाता है और उसके बाद वह जेल में जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं आज की इस मूवी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टैन होता है। पेशे से स्टैन एक प्रॉपर्टी डीलर है जो कि अपने ग्राहक के साथ हमेशा फ्रॉड करता है। स्टैन सबसे पहले अपने ग्राहक को कम दामों में प्रॉपर्टी को बेचता है, लेकिन उसके बाद वह उससे ज्यादा पैसा वसूल करता है। स्टैन अपने बीवी के साथ रहता है जिसका नाम मिंडी है। मिंडी और स्टैन दोनों काफी खुश रहते हैं और वे दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अब एक दिन स्टैन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस स्टैन को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जज स्टैन को दोषी मानते हैं और उसे 3 साल की सजा सुना डालते हैं। अब स्टैन के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इसीलिए वह जज को घूस खिलाना चाहता है, लेकिन जज उसे कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो तो तुम अपना वकील बदल सकते हो। अब स्टैन नए दिन एक नए वकील के साथ कोर्ट में पेश होता है। वह नया वकील स्टैन की सजा को तो कम नहीं करवा पाता, लेकिन स्टैन को एक बीमारी का ढोंग रचाकर उसे 6 महीने का रेस्ट जरूर दिला देता है। अब स्टैन के पास 6 महीने का टाइम बचा होता है, इसीलिए वह अपने सारे काम को इसी समय निपटा लेना चाहता है। स्टैन अपने बीबी के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ पर बहुत बड़ा टैटू बना होता है और देखने में वह जेल का कैदी नजर आता है। स्टैन उस आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम जेल के कैदी हो? वो आदमी हाँ में सर हिलाता है। अब स्टैन उससे पूछता है कि जेल में कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वो आदमी जेल के बारे में बताने के लिए स्टैन से $10,000 की मांग करता है। स्टैन अपनी जेब से $10,000 निकालकर उस आदमी को देता है और उसे पूछता है, तो आदमी उसे जेल की सारी बातें बताता है और उसे साथ में यह भी बताता है कि नए नए कैदियों के साथ वहाँ के रहने वाले पुराने कैदी गुलू गुलू करते हैं और तुम देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, इसीलिए तुम्हारे साथ वो कैदी और भी ज्यादा मजे लेंगे। अब स्टैन उस कैदी की बात सुनता है और वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी वह कैदी कहता है कि अगर तुम उन कैदियों से बचना चाहते हो तो अपने शरीर में एक अलग टैटू बनवा सकते हो। अब स्टैन अपना बायां हाथ दिखाता है और उसे कहता है, देखो मैंने ऑलरेडी टैटू बनवा रखा है। वो टैटू उसकी माँ की होती है, तो वो कैदी उसे कहता है, इसे कोई काम नहीं चलेगा, अगर तुम अपने पिछवाड़े में एक भद्दा सा टैटू बनवा लोगे तो सारे कैदी तुम्हारे साथ मजा लेना छोड़ देंगे। अब स्टैन ऐसा ही करता है और अगले दिन अपने पिछवाड़े में एक भद्दा सा टैटू बनवा लेता है। साथ में स्टैन कराटे क्लास भी ज्वाइन करता है और वहाँ पर रोज वह कराटे सीखता है। अब एक दिन कराटे क्लास के मास्टर स्टैन की लड़ाई एक छोटे से लड़के से करा देता है, जहाँ पर वह छोटा सा लड़का स्टैन को काफी कराटे मार देता है। अब स्टैन काफी गुस्सा हो जाता है और उस छोटे से लड़के को पीटने लगता है और यह देख वहाँ के मास्टर स्टैन को बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। अब स्टैन वहाँ से जा रहा होता है, तभी वह एक आदमी को देखता है जिसका नाम मास्टर होता है और मास्टर अपने मुके से एक दीवार में छेद कर देता है। अब यह देख स्टैन मास्टर को अपने घर ले जाता है। अब अगले दिन मास्टर स्टैन को जगाने के लिए उसके सर पर खून का प्रयोग करता है और साथ में मास्टर मिंडी को स्टैन के लिए जूस बनाने को कहता है। उस जूस में स्टैन के लिए घोड़े का जीभ और गधे की चर्बी होती है। मास्टर स्टैन को काफी कठोर बनाना चाहता है, इसीलिए वह उसे उल्टा लटकाता है और साथ में उसके सीने पर जलती हुई आग से मारता है। मास्टर स्टैन को खाने में अजीबोगरीब खाना देता है, जैसे सांप और बिच्छू। अब एक दिन स्टैन मिंडी से पूछता है कि मानो तुम्हारे घर आज चोरी होने वाला है और तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। यह सुन मिंडी उसे पूछते है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो स्टैन उसे बताता है कि ये सारे चीजें मेरे साथ जेल में होने वाला है और मुझे कैसा महसूस होगा यह मैं देखना चाहता हूँ। अब स्टैन की यह अजीबोगरीब बात सुनकर मिंडी अपना कपड़े बांध लेती है और स्टैन का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब मास्टर को जब इस बारे में पता लगता है कि मिंडी घर छोड़कर भाग गई है, तो स्टैन को वह पूरा फोकस देने को कहता है। अब इस तरह मास्टर स्टैन को लगातार 5 महीने तक प्रेस्टिक कराता है और उसे 5 महीने में पूरी तरह से
ट्रेंड कर देता है। अब जब स्टैन पूरी तरह से ट्रेंड हो जाता है तो वह कराटे मास्टर के पास जाता है जो कि कुछ दिन पहले स्टैन को बेइज्जती करके भगा दिया था। स्टैन उस मास्टर को चैलेंज करता है और उसे धूल चटा देता है। इसके बाद स्टैन का मास्टर और उसका वकील उसे जेल में छोड़ने के लिए जाते हैं, जहां पर पहले से ही मिंडी आई होती है। वह स्टैन से तो नहीं मिलती लेकिन दूर से ही वह काफी रोती है। इसी के साथ स्टैन एक बस में बैठकर जेल जाने लगता है, तभी उसके बगल में बैठा कैदी उसे गलत तरीके से छूता है, लेकिन स्टैन उसे यहाँ पर सबक सिखा देता है। इसी के साथ स्टैन की मुलाकात उसका रूम पार्टनर लैरी से होता है। अब स्टैन लैरी के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए उसे नीचे सोने को कहता है और स्टैन ऊपर जाकर सो जाता है। अब अगले दिन लैरी स्टैन को जेल में अलग अलग कैदियों के ग्रुप के बारे में बताता है, लेकिन तभी स्टैन की नजर एक बिग रेमंड नाम की कैदी पर जाता है जो कि एक न्यू कैदी हैरी के ऊपर अपना दबदबा बनाने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहा होता है। अब स्टैन बिग रेमंड के पास जाता है और उसे लड़ाई का चैलेंज देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और स्टैन बिग रेमंड के सभी अंगुलियां तोड़कर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। और यह देख वहाँ के एक न्यू ग्रुप का कैदी स्टैन के पास आता है और उसे हाथ मिलाकर अपने पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन स्टैन यहाँ पर अपना दबदबा बनाना चाहता है इसीलिए उसे इनकार कर देता है और उसकी धुलाई कर देता है। और यह देख वहाँ के सारे कैदियों का ग्रुप स्टैन पर भिड़ जाते हैं और स्टैन बारी बारी से सभी कैदियों को मजा चखा देता है और इस तरह स्टैन वहाँ का एक न्यू लीडर बन जाता है और सारे कैदी उसे बिग स्टैन नाम से बुलाने लगते हैं। अब एक दिन जेल का हेड टोनी स्टैन को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे कहता है कि मैं खुद तुम्हें इस जेल में लाना चाहता था, क्योंकि टोनी इस जेल के सारी संपत्ति को हड़प लेना चाहता है। अब स्टैन से टोनी उस जेल का पेपर देखने को कहता है क्योंकि स्टैन एक प्रॉपर्टी डीलर है और वह अच्छी तरह से जांच करता है। अब टोनी उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इस काम में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें एक साल के अंदर इस जेल से छुड़वा सकता हूँ। अब स्टैन उसे पूछता है कि तुम इस जेल को हड़पोगे कैसे, तो स्टैन उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टैन टोनी के काम में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तभी उसकी मुलाकात एक डोंग नाम की आदमी से होती है जो कि एक वियतनाम का नेता होता है और टोनी के इस काम में उसका पार्टनर भी होता है। अब स्टैन टोनी और डोंग की बातें सुनता है जिसमें वो प्लान बना रहे होते हैं कि जेल को हड़पने के लिए वो सारे कैदियों को एक साथ लड़वा देंगे और गार्ड उस पर जब हमला करेंगे तो सरकार इनकी बातें सुनेगी और इस जेल को पूरी तरह से बैन कर देगी। अब स्टैन उन कैदियों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वह सभी कैदियों के पास जाता है और उन सभी को इकट्ठा करके एक नया रूल बनाता है और ये सभी कैदी उस नए रूल को मानने लगते हैं और इन सभी कैदियों के बीच झगड़ा अब खत्म हो जाता है और वे सभी कैदी अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब इसी के साथ हम जेल में कुछ अधिकारियों को देखते हैं जो कि जेल देखने के लिए जेल में आए होते हैं। स्टैन उनके सामने पेश किया जाता है जहां पर स्टैन की रिहाई की बात हो रही होती है। टोनी दोपहर को उन अधिकारियों को जेल दिखाने के लिए ले जाता है क्योंकि वे सारे कैदी दोपहर को ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, लेकिन इस बार वे कैदी एक दूसरे के साथ लड़ाई न करते हुए एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। अब टोनी समझ जाता है कि ये सभी काम स्टैन ने किया हुआ है, इसीलिए टोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गार्ड का गन लेकर उन कैदियों पर हमला बोल देता है और टोनी स्टैन को खोजने लगता है। टोनी स्टैन को गोली मारता उससे पहले यहाँ पर मिंडी आ जाती है और टोनी को एक झटके मार कर उसे नीचे गिरा देती है। अब स्टैन मिंडी से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो मिंडी उसे बताती है कि पिछले 6 महीनों से वो मास्टर से ट्रेनिंग ले रही है। अब टोनी की हरकत को वो सरकारी ऑफिसर देख लेते हैं और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ अब 3 साल बीत जाते हैं और स्टैन की सजा अब पूरी हो जाती है। अब स्टैन वहाँ से रिहा होने वाला था इसीलिए उसे सारे कैदी अलविदा कहने के लिए आते हैं और वहाँ पर एक कैदी स्टैन का टैटू अपने पेट पर बनाया होता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।